हाय गाइस, दिस इज समीक्षा सिंह वाचिंग माय चैनल फूड पैराडाइज। गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई एक नई किचन टिप। आज हम वुडन जो कैबिनेट्स होते हैं किचन के, वो साफ करेंगे, क्योंकि चिमनी की वजह से उसमें बहुत ऑयली या ग्रीजी हो जाता है और वो साफ नहीं होता स्क्रब करने से भी। तो वो मैं आज बताऊंगी कि हम कैसे साफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ऑयल की वजह से, घी की वजह से कितनी चिकनाई हुई, चिमनी वगैरह की वजह से इतना गंदा हो जाता है। ये साफ़ नहीं होते स्क्रबिंग करने से भी नहीं। तो इसके लिए बताऊंगी मैं आपको। नमक लेंगे हम, बेकिंग सोडा 2 चम्मच, और इसमें ऐड करेंगे हम विनेगर 2 से 3 चम्मच। ये देखिए, इसका रिएक्शन हो रहा है। बस इसको मिक्स करेंगे, और कोई भी स्क्रबर से लेके आप इसको कर सकते हो, स्पॉन्ज वाला जो ग्रीन और वो आता है स्टील वूल वगैरह, उससे आप साफ कर सकते हैं। इससे करेंगे हम ग्रीन वाले पात से। ये देखिए, इस तरफ अच्छे से करेंगे इसको स्क्रब, ताकि जो चिकनाई है वो निकल जाए। थोड़ा सा रगड़ना पड़ेगा। ये देखिए, साफ़ हो रही है। ऐसे हम सारे करेंगे। देखिए, क्लीन हो रहा है। इससे बहुत इजी है इसे साफ़ करना, नहीं तो ये बहुत गंदे हो जाते हैं चिकनाई की वजह से, ऑयल। तो ऐसे ही हम करेंगे साफ़ इसको अच्छे से। पहले इससे करेंगे, स्पॉन्ज से। फिर उसके बाद हम सॉफ्ट सा कपड़ा लेंगे, वेट वाला। ये देखिए, साफ़ हो गया हमारा। अब इसको साफ़ कपड़े से करेंगे हम। थोड़ा सा गीला है, इसको साफ़ करेंगे, और उसके बाद हम सूखे कपड़े से साफ़ करेंगे हम। ये देखिए, यहाँ पे भी थे, वो भी सारे निकल गए हैं अच्छे से। आप इसको बहुत इजीली साफ़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी टिप है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए कितना क्लीन और चमक रहा है। ऐसे हम सारे साफ़ कर लेंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।